कोरोना की दूसरी लहर में भारत और भारत के लोगों ने वो सभी चीजें देख ली जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, और इस दौरान मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर दिल दहल जाएगा। कई जगह नदियों में शव तैरते नजर आए। कहा गया कि सभी शव कोरोना संक्रमित हैं और आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार न कर पाने की वजह स्थिति में परिजनों ने इन्हें नदियों में प्रवाहित किया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी के मन में कई सवाल पैदा कर दिए होंगे। दरअसल यूपी के बलरामपुर जिले से एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में दो युवक एक शव को पुल से रावती नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। शव फेंकने वाले दोनों युवकों में से एक युवक पीपी किट पहने दिख रहा है तो दूसरे ने काले रंग के कपड़े पहने हैं। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के राप्ती नदी पुल पर बने सीसई घाट पुल की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। उन्होंने बताया कि 25 मई को कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें संयुक्त जिला अस्पताल के लिए L2 वार्ड में भर्ती कराया गया था। 28 मई को इलाज के दौरान प्रेमनाथ मिश्र की मृत्यु हो गई थी। सीएमओ ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। वायरल वीडियो में शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए दर्शाया गया है। इस संबंध में कोतवाली नगर में केस दर्ज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि शव को पुल से राप्ती नदी में फेंके जाने के समय वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शव फेंकने वाले दोनों युवक कौन हैं उनकी पहचान की जा रही है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जब कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के दाह संस्कार के लिए सरकार ने 5,000 रुपए देने की व्यवस्था की है तो फिर क्यों लोग पुल से शव को नदी में फेंकने के लिए मजबूर हैं? बलरामपुर में मानवता को शर्मसार तार तार करने वाली तस्वीर सामने निकल करके आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीज को शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकार कोरोना संक्रमित मृतक मरीजों को 5,000 रुपया दाह संस्कार के लिए देती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शव को राप्ती नदी से फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएमओ का कहना है सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ कर 25 मई को L2 में भर्ती कराया गया था और 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या परिजन पीपी किट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसे में परिजन हैं या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शव को फेंक करके मानवता को शर्मसार तार तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मिथिलेश कुमार, बलरामपुर।